बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में बीते सोमवार को उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को सूबे का सीएम बनाकर तमाम तरह के अटकलों और सस्पेंस पर विराम लगा दिया। एमपी में 163 सीटें जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आई तो स्वाभाविक रूप से लोग शिवराज सिंह चौहान को उसका दावेदार मान रहे थे, लेकिन बीतते समय के साथ मामा के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जाती हुई दिखी तो लोग कैलाश विजयवर्गीय और भैरात पटेल के नाम पर चर्चा करने लगे। लेकिन जब 11 दिसंबर को मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो सवाल खड़ा हुआ कि अब इन दिग्गजों को क्या हुआ। सीएम फेस का ऐलान होने से पहले ही तमाम राजनीतिक जानकारों का मानना था कि बीजेपी हाईकमान हमेशा लोगों को चौंकाने वाले फैसले लेता है, और ऐसा ही हुआ। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद अब एमपी की राजनीति में स्वाभाविक रूप से वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। इन्हीं राजनीतिक वाइब्रेशन के चलते एमपी की राजनीति के दिग्गजों का क्या होगा। एमपी में सीएम के सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को लेकर लोगों के दिलों में कई तरह के संशय के बादल हैं। मामा के सीएम न बनने के बाद अब लोगों को उनकी नई भूमिका के लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व ही अब तय करेगा कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव लड़कर संसद जाएंगे या जेपी नड्डा की जगह संगठन की कमान संभालेंगे। अगले 5 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी के आलाकमान पार्टी के भीतर किसी तरह का विरोध स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में प्रहलाद पटेल की भूमिका पर लोकसभा चुनाव के बाद ही नए सिरे से विचार किया जाएगा, जिसके बाद इस बात पर मुहर लगेगी कि प्रहलाद पटेल को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। मध्य प्रदेश के सीएम रेस में दौड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी लोगों में काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके नाम पर भी मुहर न लग सकी। ऐसे में विजयवर्गीय के फ्यूचर रोल्स को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें एमपी में बीजेपी अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ओबीसी ब्राह्मण और एससी चेहरों को कॉम्बिनेशन बना रही है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के लिए बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजनीति अनिश्चितताओं से भरी होती है, ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि एमपी के इन महारथियों की फ्यूचर जिम्मेदारी क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।